नमस्ते, ये एक डिज़ाइन ट्रेनिंग के बारे में है। मल्टीमीडिया डिज़ाइन ट्रेनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, सारा ये जो क्रिएटिव ट्रेनिंग होता है उसके बारे में है। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट वीडियो है जो वो सारा ट्रेनिंग के बारे में एक्सप्लेन करता है, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो फिनिश करके फिर वापस आके इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। अभी आपको पता चल चुका है कि ये क्लासेस कैसे कंडक्ट होते हैं और उसका फ़ायदा क्या है, तो अभी बात करते हैं कि हम कैसे एक दूसरे के साथ हाथ मिला के कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम कोलैबोरेट करें ताकि हम साथ मिलके पैसे कमा सकें। मुझे बहुत लोगों को हेल्प करना है ताकि मैं उनको क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का स्किल सिखा सकूं और की वजह से उनको जॉब्स मिले, बिकॉज आजकल के डिजिटल दुनिया में ऐसे जॉब्स के लिए बहुत डिमांड है और उनको एक सही राह और सही गाइडेंस की ज़रूरत है, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है और मैं देना चाहता हूं। और इस मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और इस सपोर्ट के दौरान हम सबका फ़ायदा होगा। अगर ऐसा कोई है जो मुझे हेल्प कर सकता है इस मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, बस थोड़ा सा टाइम डेली, सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट करने से अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ये प्रेजेंटेशन ध्यान से देखिए। इससे हम सबका बहुत हेल्प होगा और हम एक बड़ा चेंज ला पाएंगे। फर्स्ट आपको क्या करना होगा, मुझे कांटेक्ट करना होगा और आपका एक यूनिक कूपन कोड जो है मैं जनरेट करूंगा, जिससे हम ट्रैक कर पाएंगे कि आपके पहचान से, आपके एफर्ट से, आपके कांटेक्ट से कौन आए हैं। फिर ध्यान रखना कि जब भी आप इस प्रोग्राम के बारे में या किसी से भी बात करेंगे इस प्रोग्राम या इस ट्रेनिंग के बारे में, तो आपको पहले क्या करना है, आपके कॉन्टैक्ट्स पहले शुरुआत करना है अपने कॉन्टैक्ट से और पूछना है उनको कि उनके ऐसे कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं जिससे जिनको इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि होता क्या है, अगर आप डायरेक्टली किसी को बोलते हैं कि इसका आप एनरोल इसमें कर लीजिए, तो उनको उतना कन्विंस नहीं होता है, बिकॉज किसी को भी एक प्रोडक्ट सेल करना या कोई एक सेल करने की कोशिश करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको अगर हम हेल्प करते हैं, पीपल लाइक टू बी हेल्प्ड एंड नॉट सोल्ड, तो इसीलिए आप उनको इस हमारे प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि उनको लगे कि हाँ, ये हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ना कि कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमारा एक्चुअल इंटेंशन भी है कि लोगों को इस मेनली इससे फ़ायदा हो। ओके, तो मैं आपको मटेरियल्स दूंगा, जो भी इमेजेस है, वीडियोस है, शॉर्ट कंटेंट है, मैं कंटिन्यूसली बनाते रहूंगा, वो मैं आपको शेयर करूंगा और आप लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू भी एक इस प्रेजेंटेशन, इस वीडियो के एंड में आपको कैसे लोगों को एग्जैक्टली बात करना है, मैसेज भेजना है, पिच करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको कंटिन्यूसली लोगों को कॉन्टैक्ट करना होगा, जिससे आप पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि आपको अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो और रेगुलर में ट्यूटोरियल्स भी बनाते रहूँगा, जिससे आपको नॉलेज मिलेगी कि बेटर सेलिंग कैसे किया जा सकता है हमारे इस फील्ड में और बेटर कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है, वो भी आपको मुझसे सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप मिला के आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल है जो सुनना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप वेबिनार्स भी कंडक्ट कर सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करके। म्यूचुअली आपके और मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से लेट इवनिंग्स या वीकेंड में एक हम टाइम फिक्स करके वो वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे जूम पे, आपके कांटेक्ट से सबको उधर बुलाना और स्पेशली एक फोकस्ड ट्रेनिंग करके उनको हम इसके बारे में जानकारी देंगे। उधर भी हमको अच्छे कन्वर्जन्स मिलने के बहुत पॉसिबिलिटीज़ होंगे। तो अपॉर्चुनिटी ये है, अपॉर्चुनिटी यह है कि लाखों लोग जो आज एजुकेटेड हैं फिर भी अनएम्प्लॉयड है, तो
तो हम उनको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं सिर्फ एक एडिशनल स्किल ऐड करके, जो कि जल्दी से सीखा भी जा सकता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए कोई पढ़ाई वगैरह करके एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है और मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। तो डिफ़िकल्ट होगा बिगिनिंग में, मैं ये आपको बता सकता हूँ, बट धीरे धीरे जैसे ही इसके बारे में पता चलेगा बहुत स्मूथ होगा और आखिर में आप बहुत कमाना शुरू भी कर देंगे। बस मैं आपको एक एक्सपेक्टेशन सही से सेट कर रहा हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो और सही एक्सपेक्टेशन हो के, बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। आपको फोकस करना होगा एजुकेट करने के बारे में, ना कि सेल करने के बारे में। अगर आप सेल करेंगे तो लोगों को उतना अट्रैक्ट नहीं होता है, लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। जैसे मैंने एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्रिएटिव है। अगर आपको कोई पता है जिससे जिसको इसमें इंटरेस्ट हो सकता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो एक नॉर्मल कन्वर्जेशन की तरह अगर आप बात करेंगे तो आपको बेटर कन्वर्जन्स मिलेंगे। और मैं कंटिन्यूसली आर्टवर्क्स बनाते रहूँगा जिससे आप जिसमें आपका फ़ोन नंबर और आपका कूपन कोड ऐड कर दिया जाएगा, ताकि हमको ट्रैक मिले कि आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कौन आया है और मैं आपको उसी हिसाब से आपका पेमेंट भी दे पाऊँ। और हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे प्रैक्टिकल वर्क शोकेस करने के लिए कि इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे किन को फ़ायदा हो चुका है। तो जो भी मैं मटेरियल्स बनाऊँगा वो आप कंटिन्यूसली व्हाट्सएप स्टेटस पे हर जगह शेयर कीजिए। तो अपना ट्रांजैक्शन ऐसा रहेगा कि एज सून एज कोई एनरोल होगा आपके नेटवर्क के थ्रू, जो कूपन कोड होगा, जो आपका यूनिक कूपन कोड बनेगा, वो जब वो यूज़ करेंगे उनको 5% ऑफ मिलेगा। और हम बैकएंड में चेक भी कर पाएंगे कि कैसे आपके थ्रू कितने लोग आए, वो हम चेक कर पाएंगे। और जो भी रेवेन्यू आएगा आफ्टर टैक्स डिडक्शन, वो हम 50-50 शेयर करेंगे। तो आप कभी भी डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट पूछ सकते हो, मैं इमीडिएटली आपको भेज दूंगा। एग्जांपल के तौर पर ये एक किसी के लिए मैंने कूपन कोड बनाया था तो वो वन टाइम यूज़ हुआ था, तो जो भी उस ट्रांजैक्शन के थ्रू इनकम हुआ था और मैंने क्या किया, जो 50% उनको शेयर करना था वो कर दिया। और ये जो स्क्रीनशॉट है, मैं आपके पर्टिकुलर जो कूपन कोड का स्क्रीनशॉट है, मैं आपको एनी टाइम शेयर कर सकता हूँ जब भी आप पूछेंगे, ताकि आपको पता रहे कि आपके थ्रू कितने लोग आए हैं, ठीक है। और वरना आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि ऐसा कोई आपको कॉन्टैक्ट करने वाला है इस फ़ोन नंबर के थ्रू, ताकि मैं लिख लूँ कि ये आपके थ्रू आए हैं, ताकि उसी हिसाब से मैं आपका पेमेंट आपको दे पाऊँ उनके एनरोलमेंट के बाद। और जब अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए, मैं कभी भी आपको दे पाऊँगा। एक सिंपल कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ, होता यह है कि अगर आप 9999 रुपीज़ का एक क्लास एनरोल करता है एक स्टूडेंट, तो इंटरनेट हैंडलिंग फ़ी के फ़ी डिडक्ट होता है मेरे जहाँ पर मैंने ये क्लासेस होस्ट किए हैं, तो इतना बच जाता है। उसके बाद पेमेंट गेटवे जो है, जिसके थ्रू पेमेंट हमको होता है, रेजर पे उसका पेमेंट गेटवे होता है, वो डिडक्ट करता है इतना चार्ज। फिर इतना जो बच जाता है उसमें से 18% GST देना पड़ता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 7585 जो है बच जाता है। तो उसका अगर हाफ डिवाइड करते हैं 50%, तो जो भी आता है, इमेजिन कीजिए शुरुआत में अगर 5% डिस्काउंट ऐड किया गया था, तो उसके हिसाब से जो भी ये डिडक्शंस होते आते हैं और लास्ट में जो भी बचता है उसका 50% आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 93792 को राउंड ऑफ करके 4000 रुपीज़ बनाया है। तो अगर एक 9999 का 10000 रुपीज़ का अगर एक एनरोलमेंट होता है, तो आपको करीबन 4000 रुपीज़ मिलता है। तो पेमेंट शेड्यूल यह होता है कि किसी एक एनरोलमेंट के बाद मेरे अकाउंट में वो 3-5 डेज के बिटवीन रिफ्लेक्ट होता है। तो वो होते ही जो भी आपका 50% होता है, वो हिसाब के हिसाब से मैं आपको UPI पेमेंट, गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी पेमेंट मोड से आपको चाहिए, मैं आपको वो इमीडिएटली सेंड कर दूंगा।
ये जो टीम है, आप मैं और स्टूडेंट जो टैलेंटेड है, हम साथ मिलकर काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा चेंज ला पाएंगे, क्योंकि ये जो डिजिटल दुनिया है इसमें बहुत सारा स्कोप है। लाखों बिजनेसेस नए हर साल रजिस्टर होते हैं, जो ऑलरेडी लाखों बिजनेसेस है उनको टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत होती है। तो हम जितना जल्दी इसके बारे में वर्ड स्प्रेड करेंगे और जितना जल्दी एजुकेट कर पाएंगे, उतना जल्दी इन स्टूडेंट्स को भी एक जॉब और एक अर्निंग का पॉसिबिलिटी शुरू हो जाएगा। और हमको हेल्प करनी है इन टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के, तो वी नीड टू हेल्प पीपल हु आर लुकिंग फॉर वर्क। मेनली देखना है जो अनएम्प्लॉयड है, और ये थोड़े लोग ऐसे भी रहते हैं जो अभी काम कर रहे हैं बट उनका इंटरेस्ट क्रिएटिव वर्ल्ड में है, तो वो भी हमारे ऑडियंस है। अनएम्प्लॉयड यूथ जो जॉब नहीं मिल रहा है, एजुकेटेड है बट जॉब नहीं मिल रहा है, तो उनको एक क्विक नया स्किल चाहिए जो जल्दी से सीख के वो काम पे लग सके। होम मेकर्स, लेडीज जो मैरिड है, फैमिली है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि ये घर से ही हम सीख सकते हैं और घर से ही अर्न करने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख सकते हैं। तो और बिजनेस ओनर्स जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल में है, जिनको अपने बिजनेस को डिजिटली मार्केट करना है, अपने क्रिएटिव डिज़ाइंस बनाने हैं बट उनको दूसरों से करवाना जो बजट है वो हैवी लगता है, उनको स्पेंड करना मुश्किल होता है, तो वो अगर ऐसा एक स्किल अपने फैमिली मेंबर या अपने स्टाफ मेंबर को सिखा देते हैं तो वो सारा काम इनहाउस कर सकते हैं और वो कंटिन्यूसली डिज़ाइंस बना बना के डिजिटल मीडिया पर अगर प्रमोट करते हैं तो उनका बिजनेस का रेवेन्यू भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक ऑडियंस है जिससे जो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, कोई कहीं से भी सीख सकता है और बस उनको इंग्लिश लैंग्वेज का राइट अंडरस्टैंड होना चाहिए, लिखना पढ़ना और अंडरस्टैंड होना बेसिक लेवल तो होना चाहिए, एक डिसेंट लेवल का लैपटॉप या कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है। जिनके पास ये नहीं है प्लीज़ आप उनको पिच मत कीजिए क्योंकि वो इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। लैपटॉप, इंग्लिश, इंग्लिश का बेसिक और एक जो इंटरनेट कनेक्शन है बहुत ज़रूरी है। ओके, तो याद रखना शुरुआत में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये अंडरस्टैंड एक्टली कैसे कम्युनिकेट करना है, बट जैसे टाइम जाए आपको ग्रिप बैठ जाए, सेल होता है ना, तो आपको एक पूरा साइकिल टर्न, जेन्युइन नीड है, लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो अच्छा हमको रिस्पॉन्स भी मिलेगा, एक बिजनेस भी है और इस काम के दौरान लोगों की मदद भी होती है। ध्यान रखना सबको सेल नहीं करना है, सब लोग हमारे एक टारगेट ऑडियंस नहीं है, स्पेसिफिकली जिनको इसमें इंटरेस्ट है, जिनको इससे फ़ायदा होगा, आपको एनालाइज करके ही उनको पिच करना है और प्रॉब्लम ढूंढ के फिर उसको ट्राई सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि अगर आप किसी एक इंसान की तरफ देखते हैं, पहले एनालाइज कीजिए, देखिए कि वो लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और हमारे इस ट्रेनिंग के थ्रू क्या उनका लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर ऐसा है तो ऑटोमेटिकली उनको हमारे जो जो हम उनको बताने की कोशिश करेंगे उनको इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड रेफरेंस के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, ज़्यादातर जिसके साथ आप बात करते हैं उनको पूछना कि क्या आप ऐसा किसी को जानते हैं, आपके फ्रेंड, कज़िन, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, फैमिली मेम्बर जो कोई है जिसको इसका फ़ायदा हो सकता है, क्या वो ये सीख के उनके लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट अगर आ सकती है तो प्लीज़ मुझे उनका कॉन्टैक्ट दीजिए, ऐसा आप उनको बता सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप्स का यूटिलाइज़ कीजिए, डेली व्हाट्सएप स्टेटस पे पोस्ट कीजिए, क्योंकि डेली एक इंसान अगर आपका व्हाट्सएप देख रहा है एंड ऑफ मंथ एटलीस्ट उनको एक क्यूरियोसिटी आएगी, अरे यार ये इतना पोस्ट कर रहा है कुछ तो होगा, चलो देख लेना चाहिए, तो वो पावर है व्हाट्सएप स्टेटस में पोस्ट करना, ग्रुप्स में पोस्ट करना, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स में आप डाल सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि फेसबुक में आप बहुत सारा स्पैम ना करें, अच्छे जो एजुकेशनल ग्रुप्स है, बिजनेस ग्रुप्स है जहाँ पर फ्री प्रमोशन हो सकता है, हर जगह पार्ट बनिए, कुछ जगह अलाउड रहता है कुछ जगह नहीं रहता, बट आप पोस्ट करके देख सकते हैं। आइडियली आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक फ्रेश अकाउंट बना के उसमें 100 फ्रेंड्स बना के उसके थ्रू कर सकते हैं, ताकि अगर ब्लॉक भी हो जाए तो आपका पर्सनल अकाउंट सेफ रहेगा, तो ये भी एक तरीका है आप अपना सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स का हेल्प लीजिए, फॉर एग्जाम्पल नॉट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वो बाद में
अगर आप कोई पहचान है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं उन इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ जैसे HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक कॉलेज में होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, या एक सोशल ग्रुप के हेड होते हैं, जो और लोगों को पहचानते हैं और जिनकी बात सुन के लोग हमारा ये जो प्रोग्राम है इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो फेमस लोग जिनकी जो वाइज है, जो लोग उनकी बात सुनते हैं, आप उनकी ये पिच करके देख सकते हैं। ग्रुप्स यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे रोटरी, लायंस, टाई, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, आप उधर उसका नेटवर्क भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, आपको अगर डेटाबेस मिले स्टूडेंट्स की, सोशल ग्रुप्स की, ताकि आप उनको मैसेज कर सके, कॉल कर सके, व्हाट्सएप कर सके, कुछ भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देख के उनका जो अटेंशन है वो आप ग्रैब करने की कोशिश कर सकते हैं। सोसाइटीज़ होते हैं जो अपार्टमेंट, जिन पर कुछ 100 to 1000 पीपल और थाउजेंड्स ऑफ पीपल भी रहते हैं सिटी के हिसाब से, तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को भी आप जाके पर्सनली प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या फिर उनको एक जूम कॉल के लिए इनवाइट कर सकते हैं, या फिर उनको मैसेज कर सकते हैं, या पर्सनली कॉल कर सकते हैं। तो ये एक एरिया है जहाँ पर आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और भी तरीके होंगे जैसे आप कॉन्टैक्ट्स और लीड्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैं नए नए ट्यूटोरियल्स बनाते रहूँगा, आपके साथ शेयर करते रहूँगा। मेरा आप खुद मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, जाइए roush.one वेबसाइट पे, उधर सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, और खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि ऐप कैसा है। पूरा क्लैरिटी मिलने के बाद, आप खुद सीखने के बाद, अब तक मैं आशा करता हूँ कि आप सीख चुके हैं, तो मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर है आपके लिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी आगे क्लैरिटी दे रहा हूँ कि अपने पास एक वर्कशॉप है और एक मल्टीमीडिया मास्टरी क्लास है। मल्टीमीडिया मास्टरी जो है 9999 रुपीज़ अप्रॉक्स का कॉस्ट है, जो कि बड़ा क्लास है 100 डेज का। अगर पहले टारगेट कीजिए लोगों को उसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि उसमें प्रॉपर लर्निंग होती है। अगर कोई बताता है कि नहीं मुझे उतना पैसे नहीं है या उतना श्योर नहीं है, तो उनको बताइए एक छोटा सा शॉप है उसी का मिनी वर्जन, जिसमें भी एक प्रॉपर इम्पैक्टफुल कंटेंट दिया गया है, और उसके एंड में कैसे कमाना है वो भी हम सिखाते हैं। उधर आप एक टेस्ट रन करके देख सकते हैं, और अगर आप जब आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं इसमें और डीप में जानना चाहता हूँ, फिर आप मल्टीमीडिया मास्टरी में आ सकते हैं। तो एट दी एंड अगर कोई मना कर रहा है, और एटलीस्ट उनको आप वर्कशॉप तो पिच कर ही सकते हैं, जो कि यूजली लोग एक रिस्क लेकर ट्रायल कर सकते हैं, जो कि उनके लिए भी फ़ायदा होगा। और ध्यान रखिए, एफर्ट जो आप आज डालेंगे उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा। मेरा मानना यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं, आज थोड़ा टेलीकॉलिंग करेंगे, लोगों को पूछेंगे, जब वो इंटरेस्ट ना दिखाए तो आप डीमोटिवेट ना हो जाना। तो होता यह है कि आज अगर आप किसी को पिच करते हैं तो 15 डेज बाद, 1 मंथ बाद वो रिस्पॉन्स देंगे। तो कल जो अगर आप पिच करेंगे तो डे आफ्टर वो क्लोज हो सकता है। तो एफर्ट डालिए अपने तरफ से पूरा 100%, कलेक्टिव जो रिजल्ट जो है वो मिलाकर कुछ बाद आएगा। तो एक आइडियल पिच, एक आइडियल तरीका क्या होता है, एक बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप लोगों को इसके बारे में बताने के लिए, एक फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना खुद एक स्टाइल भी बना सकते हैं। ये एक मेरा सजेशन है कि प्रॉब्लम पहले एड्रेस कीजिए, फिर उसका सोल्यूशन बताइए, तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट आता है। आप ऐसा बता सकते हैं कि आपको या आप ऐसे किसी को जानते हो जिसको जॉब की ज़रूरत है बट मिल नहीं रहा है, तो ऐसा एक एडिशनल स्किल अक्वायर करने से, जो कि बहुत क्रिएटिव है, एक डिज़ाइन ओरिएंटेड है, जिसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, जो जल्दी सीखा जा सकता है, मेरे पास एक ऐसे क्लास का इंफॉर्मेशन है जो ऑनलाइन सीखा जा सकता है और जिसे एक 10 to 50,000 रुपीज़ का अर्निंग हो सकता है विद द राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है या किसी को जो आप जानते हो इसका फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, आप वो देखिए, आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगा। और आप मुझे उनका भी नंबर दे सकते हैं जो आपको लगता है कि एक यंगस्टर है या एक होम मेकर है या एक बिजनेस पर्सन है जिसको इसका फ़ायदा हो सकता है, प्लीज़ नंबर दीजिए, ताकि इस एक एजुकेशन की वजह से उनका फ़ायदा हो सके। तो ऐसा कहने की वजह से क्या होगा, आप डायरेक्टली उनको तो नहीं बता रहे हो, बट आप उनको एक रेफरेंस पूछ रहे हो सकता है वो खुद भी बता दे, अरे मैं करना चाहता था, या मेरा बेटा है, या मेरे कज़िन है, तो वो आ सकता है डायरेक्टली। तो एक तरीका है जिससे आप बता रहे हो और बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से उसका एक इम्पैक्ट भी बता रहे हो। तो
अब सेकेंड और एक तरीका है कि अब किसी को टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू अच्छी तरीके से शिफ्ट करके आप बता सकते हो कि एक वीडियो प्लीज़ देखिए, एक बहुत ही इम्पैक्टफुल डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि आजकल के दुनिया में बहुत हेल्प होता है और एक एक्सपीरियंस ट्रेनर इसको सिखा रहा है। आप प्लीज़ इसको देख के आपका फीडबैक दीजिए इसको, क्योंकि एक फ्रेंड का है तो मैं चाहता था कि मैं उनको एक फीडबैक दूँ कि उनको कैसा लगा, तो प्लीज़ आप फीडबैक दीजिए। तो एक तो फीडबैक, कोई भी फीडबैक देने के लिए इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, ओके, और अगर उनको अच्छा लगा तो बता सकते कि अगर आपके पास कोई है जिससे इसका फ़ायदा हो प्लीज़ उनका नंबर भेज दीजिए, तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर उनका कोई बुरा फीडबैक आया तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं उसके ऊपर काम करके इम्प्रोवाइज भी कर सकूँगा, ठीक है। तो याद रखना ये कि ये जो लर्निंग है उनको बताना है कि बहुत सिंपल है, जल्दी सीख सकते हैं, सही प्रैक्टिस से ये जो इन डिमांड स्किल है मार्केट का इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी है कि आप मिनिमम 100 लोगों को रीच आउट कीजिए पर डे, जो भी आपका दूसरा काम है उसके साथ साथ, या फिर इसको आप फोकस्ड करके करेंगे तो भी एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, वो आपके ऊपर है जैसे कैसे आप अपना टाइम मैनेज करना चाहते हैं, अपना बेस्ट दीजिए। तो 100 पीपल को अगर अप्रोच करते तो मंथ का, सॉरी इधर एक मिस्टेक है, एक जीरो कम है, 3000 लोगों को रीच करने का एक पोटेंशियल होता है। तो जिसमें से इमेजिन कीजिए सिर्फ 100 लोगों ने भी ऑन अ सेफर स्केल इंटरेस्ट दिखाया और उसमें से 10 ने भी अगर कन्वर्ट हो गया तो 10 × 4000 जो आपका पार्ट होता है 40,000 रुपीज़ का अर्निंग पोटेंशियल है। अगर 5% का ऑफ भी अगर लगा देते हैं तो भी एक अराउंड 36,000 अप्रॉक्स का एक अर्निंग पोटेंशियल है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी हो सकता है, ओके। तो मैं सिर्फ एक मिनिमम स्केल बता रहा हूँ जिससे एक पार्ट टाइम में भी अगर हम एफर्ट डालते हैं तो ये एक पोटेंशियल है। एंड बिकॉज अपने देश में बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी है, इससे लोगों का भी फायदा होगा बट इसका ये भी मतलब है कि उसका पोटेंशियल या मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है जिसको हम टैप करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि कन्वर्जन लेट होता है, आज किसी को आपने बताया तो वो कुछ दिन बाद आपको रिस्पॉन्ड पक्का करेंगे, इमिजिएटली कोई नहीं करता और किसी को फोर्स भी मत करना प्लीज़, एजुकेट करना, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो कॉल बैक करके बोले अरे उस दिन आपने बोला था ना ऐसा कोई एक फ्रेंड है जिसको इसमें इंटरेस्ट है, मैं नंबर दूँ आप बात कर लीजिए। तो ध्यान रखना कि आज जो आप एफर्ट डाल रहे हो पूरी अपनी शिद्दत से एफर्ट डालना और उसका रिजल्ट इवेंचुअली आता जाएगा। हो सकता है कि आज इस पूरे महीने में जो रिजल्ट एफर्ट आपने डाला है उसका कन्वर्जन नेक्स्ट मंथ हो, सो डेली एफर्ट डालना है, मिलाकर आपको इसका रिजल्ट पक्का मिलेगा। तो उनको ये लिंक देना ross.1, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, और उनको बताना कि एनरोल करने से पहले याद से आपको कॉन्टैक्ट करें क्योंकि आप अपना एक आपके पास एक ऐसा कूपन कोड है जिससे उनको फर्दर एक प्राइस रिडक्शन मिलेगा। डिस्काउंट वर्ड अवॉइड कीजिए ताकि वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, डिपेंड करता है कैसे आप बताते हो, आप बता सकते हो कि आपको थोड़ा फी कम हो सकता है अगर आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो तो वो भी एक अट्रैक्टिव लगेगा, कम होगा तो आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे। तो अगर आपको ये सारा अच्छा लगा और आपको एक्साइटेड हो मेरे जितना ही तो आप प्लीज़ मुझे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको मैं एज अ चैनल पार्टनर रजिस्टर कर लूँगा और आपका एक स्पेशल कूपन भेजूँगा ताकि आपके सारे मटेरियल्स के ऊपर आपका नंबर और आपका कूपन कोड यूज़ हो जाए। और इस एक इनिशिएटिव के थ्रू और एक क्रिएटिव एजुकेशन के थ्रू हम लोगों के लाइफ में चेंज ला सकते हैं और उस प्रोसेस में हम खुद बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। ध्यान रखना इसमें कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री है टू रजिस्टर यू एज अ चैनल पार्टनर। जो भी एट दी एंड हमारे एफर्ट से जो कन्वर्जन होगा वो हम शेयर करेंगे, उससे पहले कोई चार्जेस नहीं है। तो इस QR कोड को आपके डिपेंड करता है ये वीडियो आप कहाँ देख रहे हो, एक तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो या फिर इस QR कोड को स्कैन करके मेरे साथ चैट कीजिए और मैं आपको रजिस्टर करूँगा, आपका कोड जनरेट करूँगा और इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं काम करने के लिए, जिससे हम अपना एक जो लोगों को एजुकेट करना और उस प्रोसेस में कमाने का जरिया और एक प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो मैं एक्साइटेड हूँ आपको ऑन बोर्ड लेने के लिए, मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो मच।